ये दोस्तों अभी ठंड का मौसम है, इसलिए सब बच्चे को ढक के रखे हैं और लाइट भी जला रखे हैं अच्छे खासे, 100 वाट के, 500 वाट के। जिसका दिन जैसे ही बीतते जाता है उसका, वैसे ही किसी का 100 वाट का ज़्यादा दिन हो गया तो, जो जल्दी ही बच्चे दे दी है उसका 500 वाट का बल्ब जला के रखे हैं, क्योंकि बच्चे जब जब देती है ना तो उनको ठंड काफ़ी ज़्यादा ही लगता है, इसलिए उन्हें ढक के भी रखना पड़ता है और 500 वाट की बल्ब लगा देते हैं तो उन्हें अच्छा फील होता है, और वो लाइट के नीचे बैठते हैं। लाइट के पीछे बैठने का कारण यह है दोस्तों कि जब लाइट जलता रहता है ना तो ये लाइट के नीचे आके बैठती हैं, तो मादा आराम से बैठ जाती है, उड़ जाती है। और अगर लाइट नहीं जलता है ना तो ये लोग क्या करते हैं, नीचे अपने माँ के पास यानी मादा के पास, इनकी जो माँ है उनके पास आ जाती है, ये उनके माँ के पास नीचे टहलती रहती है, फिर जब ये मादा बैठती है ना तो उसके नीचे दब जाती है, जो मृत्यु का कारण होता है। इसलिए इनको लाइट जला के जहाँ तक रखे तो वहाँ तक ठीक होता है, अगर लाइट जला के नहीं रखेंगे तो ये दिक्कत होता है, मृत्यु का कारण ज़्यादा बनता है, लीटर साइज़ इससे कम हो जाता है। लीटर साइज़ बचाने का, बढ़ाने का कारण यही है कि एक दो लाइट, एक ही लाइट आप जलाएं लेकिन एक लाइट परमानेंट एक तो जलाएं ही, 100 ही वाट का जलाएं लेकिन जलाएं, क्योंकि जहाँ हल्का सा गर्म होगा ये बच्चे वहीं जाके बैठेंगे, और इनको बैठाना अच्छी बात है, क्योंकि अगर नहीं बैठाएंगे तो ये अपनी माँ के पास खड़े हो जाएंगे आके। ये जाली, ये आप जाली जो देख रहे हैं, ये जाली तो इसलिए लगानी पड़ती है, आपको इसको बारे में पता होगा, अगर नहीं भी पता हो तो फिर हम बता दे रहे हैं। ये तो जाली इसलिए लगानी पड़ती है, ये जो बच्चे हैं ये साइड में रहें, अपनी माँ के चपेट में ना आए ज़्यादातर, और मादा है जो जल्दी उठती बैठती, क्योंकि खड़ी ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाती, इसको जब तक भी आएगी ना उसके बाद ये दर्द ज़्यादा रहता है, तो फिर भी दर्द ख़त्म भी हो जाता है फिर भी ये ज़्यादा खड़ी नहीं रहती ना, ये बैठ जलती है जल्दी और जल्दी बैठ जाती है, इसके कारण भी ये जाली लगाने का मेन फोकस होता है सबका, हमारा भी फोकस वही है दोस्तों, पर ज़्यादातर ये जाली लगाने का मेन जो रीज़न होता है वो बच्चे देने के पहले का होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे देने के पहले ना ये बहुत ही परेशान करती हैं, हमें बच्चे देने के पहले के लिए लगाना पड़ता है, लेकिन बच्चे देने के बाद भी ये काम आता है, तो एक्चुअली दोस्तों काम में दोनों आता है, लेकिन ज़्यादातर ये बच्चे देने के पहले ज़्यादा काम आता है, बच्चे देने के बाद तो मान लो कि मृत्यु इसलिए होती है कि जो बच्चे बीच में आते हैं नीचे आ जाते हैं तब भी हो जाती है, और जाली लगने का बाद में थोड़ा बहुत नुकसान भी दिखने लगता है, ज़्यादा जगह स्पेस जो है वो ज़्यादा नहीं रह पाता है, जैसे देखो उठ रही है ना तो अब जगह होता तो झटक से उठ जाती, अब जगह ना रहने का ये आराम आराम से उठ रही है, लेकिन कोई नहीं दोस्तों, जाली लगाने का थोड़ा बहुत फोकस तो होता है, तभी तो सब लोगों ने लगाया है, अधिकतर लोगों ने, सब लोगों की बात तो मैं नहीं करूँगा, फिर भी 75% तो लगाए ही है, इसलिए क्योंकि ये बच्चे देने का ये कि गेज होता है, ये गेज तैयार कर लिया जाता है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होती है, क्योंकि देख रहे होंगे आप निप्पल लगा होगा, नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, ये देखिए दिख रहा होगा थोड़ा सा बीच में, ये पानी पी रही है, ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा हमारा जो ये पर्दा है ना ये गिरा हुआ है, झुका हुआ नीचे, इसलिए दिख नहीं रहा होगा, फिर भी थोड़ा बहुत जहाँ तक है आपको, हमारी उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है दोस्तों, हाँ ये जो दिख रहा है ना, ये अभी मादा ने पानी पिया था ना, ये हमने छोटा सा एक खोर बना रखा था, इसलिए कि पानी जो आए, पानी जो इसका बैठे जिससे मुंह में जो नहीं आता वो नीचे गिरता है, तो वो इसके नीचे ना आए, नीचे आएगा क्योंकि सब गीला हो जाएगा, नाली हमारे काफ़ी दूर में है ना, ये सबसे लास्ट में, इसलिए हमने वहाँ पे एक खोर बना रखा है छोटा सा, ज़्यादा वेस्टेज ना हो, और वे भी दोस्तों वेस्टेज नहीं होता है पानी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो गिरता है, मान लो कि एक ईंट की दीवार है थोड़ी सी छोटी सी और उसमें थोड़ा सा पानी भर जाता है, एक एक लीटर समथिंग, तो उसमें जब फीड डालते हैं ना तो फीड भी गीला हो जाता है, तो बढ़िया खाने में अच्छा रहता है,
तो हमें फीड गीला करने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसमें। बाकी ये हमारी जो मादा है, ये बच्चा दी हुई हमारे करीब 4-5 दिन हो गए, समथिंग 4 दिन आगे वाली है। हम 4 दिन बोलने जा रहे थे, 4 दिन आगे वाली है। और उसके बाद जो फर्स्ट नंबर आपको गेज दिख रहा है डब्बा सा बना हुआ, वो फर्स्ट नंबर नहीं है, वो पहला गेज है, खाली सिर्फ एक नंबर गेज है। पहले जो बच्चा दी थी ये है दोस्तों, इसका हम आपको दूसरे क्लिप में वीडियो दिखा देंगे। वो हमारा फर्स्ट गेज है, ये हमारा 3 यानी तीसरा गेज है, वो हमारा पहला, ये तीसरा, और ये पांचवा गेज है।